बटी साहब, स्क्वाड को लेके, प्लेइंग 11 को लेके कोई अपडेट आई है आपके पास? जी हाँ दानिश, जिस तरह मैं बता रहा था अब से दो घंटे पहले, पाकिस्तान कैंप से यही खबर आ रही है कि ओवल का जो T20 इंटरनेशनल हुआ था वही अनचेंज स्क्वाड जो है वो आज अमेरिका के खिलाफ। इमाद तो उस मैच में खेले ही नहीं थे ना? खेले ही नहीं थे जी। तो पाकिस्तान वही 6 बैट्समैन, शादाब खान स्पिनर और 4 फास्ट बॉलर, होपफुली नसीम शाह ही खेलेंगे। अब्बास आफरीदी का चांस नहीं। इनिंग्स का आगाज जिस तरह उस मैच में हुआ था बाबर आजम और रिजवान ने किया, रिजवान करेंगे। ठीक है सिकंदर, हैप्पी विद द स्क्वाड, शादाब की टीम में शमूलियत से खुश हैं आप? यार उसका नाम क्या चॉइसेस नहीं है ना आपके पास, अब्रार है ना आपके पास? नहीं, अब्रार को इसलिए नहीं खिलाएंगे क्योंकि बैटिंग कमजोर हो जाती है, वो उनको बहुत बड़ा बैट्समैन समझते हैं तो इसलिए वो उनको डालेंगे वो उसके अंदर। और मैं तो हमेशा कहता हूँ उन्हें गलत फहमी है, एक तो उनको डालेंगे, अब नीचे नसीम शाह आ गए तो देखते हैं। मैंने जो देखा था उस पिच के ऊपर, बहुत अच्छी पिच थी, जो मैंने पूरा मैच बॉल टू बॉल देखा था और उसमें फास्ट बॉलर के ऊपर भी लग रहे थे और उस पर स्पिनर्स पर भी, तो अब देखते हैं। और दोनों टीमें जो हैं वहाँ पर टॉस जीत कर जो है उन्होंने, एक ने बैटिंग की थी तो वो हार गई, यानी कि चेस करने वाली टीम जीती थी और पहले वालों ने वैसे ही चेस किया, तो इस तरह दोनों टीमों ने टॉस जीत के जो चेस कर रहे हैं वो जीत रहे हैं, तो अब लेट्स सी, 90% ऐसे ही हुआ है अभी तक, 95%। ठीक है अहमद, व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान्स बॉलिंग इन कंडीशंस में, हमारे बॉलर्स तो बेहतर परफॉर्म करेंगे, बेहतर नजर आएंगे बिकॉज दे थ्राइव इन दीज कंडीशंस, अगर बॉल मूव हो रही होती है, सिम सीम से मूवमेंट मिल रहा होता है, क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप मैच को ब्रेक या मेक या ब्रेक करेगी? बिकॉज अगर आपके टॉप 4 चल जाते हैं और उस्मान और फिर उसके साथ फखर अपना रोल प्ले कर लेते हैं जिस तरह से हम उनको अग्रेसिव अंदाज में देखना चाहते हैं, तो पाकिस्तान विल बी वेल सेट एंड द बॉलर्स कैन डू देयर जॉब इन दीज कंडीशंस। जी दानिश, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू गॉट टू असेस द कंडीशन ऑनेस्टली, और उस कंडीशन के हिसाब से फिर परफॉर्मेंस करना। सबके लिए नई पिचेस हैं, यूएसए सारी दुनिया गई है, वो सबसे पहले कंडीशंस को असेस कर रही है। आई थिंक टॉस भी बड़ा वाइटल होगा बिकॉज टॉस जीत के अगर आप दूसरी टीम को अंदर डालते हैं थोड़ा आइडिया हो जाता है कि हाँ यार आप लोग कहाँ खड़े हैं और ये पिच किस तरह का है। तो उसके बाद ऑब्वियसली जो हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं जो पिछले 4-5 साल से खेल रहे हैं, जिन्होंने 3-4 ICC के इवेंट्स खेले हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर हो गए हैं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चलेगी। जिस तरह बाबर आजम है, रिजवान है, फखर जमान है, इफ्तिखार है, तो ये लोग ऐसे हैं, शाहीन है, इन लोगों के बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उनको इस चीज का अंदाजा है। अगर आपने इन सबके इंटरव्यूज भी सुने हो, वो ये मानते हैं इस चीज को कि हमने बहुत ज्यादा बातें कर ली पास में, हमने सेमीफाइनल भी खेल लिया, हमने फाइनल भी खेल लिया, जिस तरह की परफॉर्मेंस के बाद भी था, लेकिन अब कोई एक्सक्यूज चलेगा नहीं। तो उनको आइडिया इस चीज का है, होपफुली हमारी दुआएं सारी पाकिस्तान टीम के साथ है, इंशाल्लाह ताला यू नो जो भी उनके हक में बेहतर हो वही। इमरान, एक चीज जो हम पिछले कुछ महीनों से सुनते आ रहे हैं, इनफैक्ट सुनते तो हम काफी अरसे से आ रहे हैं, बट पिछले 2-3 महीनों में काफी ज्यादा माइंडसेट को तब्दील करने की बात हुई, खासतौर पे जब से गैरी कर्सन टीम के साथ आए हैं, हम सुन रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम में अग्रेशन नजर आएगा, फखर जमान भी ये बात कर रहे थे कि हम अब क्रीज पे आते ही थोड़ा सा अटैकिंग क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर अहमद की बात की और भी ज्यादा वैल्यू है, बिकॉज अगर आप अटैकिंग माइंडसेट के साथ आते हैं, सोच के आते हैं कि हमने अटैक करना है लेकिन कंडीशन ऐसी नहीं है, तो ये चीज आपको भारी पड़ सकती है, स्पेशली इफ यू बैटिंग फर्स्ट। दानिश, सबसे पहले तो मुझे एक बात बताएं कि बहुत अरसे से ये चीजें सुनते आ रहे, अटैकिंग पूरी टीम उठा के देख ले तो सिर्फ एक ही बैटर है जो अटैकिंग क्रिकेट खेलता है और एक प्रॉपर बैटर है वो है बाबर आजम, जो पूरा मैच लेके फिनिशिंग तक जा सकता है। अदरवाइज आपके पास और कोई ऐसा बैटर जो आप कहते हैं कि जी अटैकिंग, अब अटैकिंग वाली क्रिकेट ये माइंड सेट छोड़े, अब जो सिचुएशन है जो अमेरिका के सामने आपके पिचेस हैं आपके सामने है, आप सिचुएशन के हिसाब से जो बेस्ट से बेस्ट क्रिकेट है अब आप उस पे ध्यान फोकस करें। और जो आज का मैच है, आई थिंक मेरे में चले जो भी वट एवर प्लेइंग 11 बनती है, आप पिच को रीड करें, असेसमेंट लेके यार इस पिच के ऊपर आया के थोड़ा सेट होके बड़ी हिट लगेगी या जाते ही बड़ी हिट लगेगी। अभी तो हम यहाँ बैठ के जो प्रीवियस मैचेस है उनकी हम बात करेंगे, ये पिचेस जो नजर आई हैं, आई होप कि आज बहुत भी बहुत अच्छा पिच बने जहाँ पे हमारे बैटर भी अच्छा परफॉर्म करे और बॉलर भी करे। और ये सारी पास की बातें हैं, अब इन बातों को जी गैरी क्रिस्टन आ गया, वट एवर कोई भी कोच आ गया कि जी माइंड सेट या हम अग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे, ये अब टाइम नहीं है इन चीजों का। जो आपकी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, जो बेस्ट क्रिकेट है
अब उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि अब पिचेस ऐसी हैं कि यहाँ पे आपको खुल के खेलने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन जो आपकी बेस्ट क्रिकेट है, जो बॉल टू बॉल आप कह सकते हैं कि अगर ऑफ स्टंप की बॉल है आपको ऑफ स्टंप पे ही खेलना पड़ेगा, जो आपकी स्पेयर पे या लेफ्ट या राइट जिधर भी बॉल है आपको प्रॉपर क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, ना कि आप मुंह उठा के अगर यहाँ पे बड़ी हिट मारी और आप आउट होते हैं तो फिर आपकी टीम बहुत ही बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होगी। बेसिकली मेरिट पे खेलना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं आपके उस पे ऐड करता चलूं, माशाल्लाह वर्ल्ड नंबर 1 वर्ल्ड नंबर 2 प्लेयर्स हमारे पास टॉप ऑर्डर पे मौजूद है, क्या वर्ल्ड नंबर 1 वर्ल्ड नंबर 2 प्लेयर्स के लिए कंडीशन बहुत ज्यादा मायने रखती है? उनका तो मकसद ही यही होता है कि वो जिस तरह की भी कंडीशन हो उसको अडॉप्ट करके बेस्ट से बेस्ट स्टार्ट देने की कोशिश करें। अहमद आप बिल्कुल बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन अहमद एक चीज आप भी ये एग्री करेंगे, देखें जब आप ओपनर आते हैं और आप एक टून सेट करते हैं, रिसेंटली आप अगेंस्ट इंग्लैंड मैच देख लें, जब आपके ओपनर 60 अराउंड 50 कर रही है, उन्होंने पार्टनरशिप लगाई, फिर देन आपके मिडिल ऑर्डर पे डिपेंड करता है जहां से आपके 9-10 ओवर्स भरे हैं, जब उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो आई थिंक मेरे ख्याल में उनको भी अपना बेस्ट फिनिशर बनना चाहिए, ना कि आप एक के ऊपर ही आप देखे हमेशा। अहमद आप भी ओपनर है, मैं भी ओपनर हूँ, हमेशा कभी भी T20 में ओपनर कभी भी फिनिश नहीं करते, लाइफ टाइम मैं यही कह रहा हूँ, मैं भी यही कह रहा हूँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, ऐसे ही। हाँ, और दूसरा अहमद देखो आप एक टून जब सेट करते हैं तो फिर उसके बाद आपके नीचे जो मिडल में होते हैं जिसमें आप शदाब को अभी कंसिडर कर रहे हैं, बैटर इफ्तिखार कर रहे हैं, आजम खान को कर रहे हैं, फखर रहे हैं, तो ये जितने भी हैं फिर इसके बाद आपके पास बेसिकली अहमद अभी टीम में जो सबसे बड़ा एक ठीक है इमरान, वील कम बैक टू यू, व्हाई डोंट यू कट दैट कॉल। और सिकंदर ये बातें सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं कि आप अग्रेसिव माइंडसेट के साथ आएंगे और अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे, ये हमने काफ़ी सुना भी है, लेकिन कंडीशंस के हिसाब से अगर आपने नहीं खेला, खासतौर पर अगर आप पहले बैट यू डोंट सेट द टोन राइट, तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। आप भी पिछले दिनों ये बात कर रहे थे कि यहाँ पर बाबर को अपना नेचुरल गेम ही खेलना है, रिजवान को अपना नेचुरल गेम खेलना है जो ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है। वहाँ पे कंडीशंस क्या, बिल्कुल नहीं पता, सब जो बात करें बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमें तो हम पुरानी मैचेस की और पुरानी पिचेस को देख के बात करें, आज कौन सी पिच खेलेगी, क्या कंडीशन है, हो सकता है उन्होंने अच्छा रोल कर दिया हो, जब उन्होंने देखा होगा ना ICC ने कि यार रन से बन रहे, और इतना वावेला भी हुआ, इतना शोर भी मच गया, तो अब उन्होंने रोल कर दिया, बैटिंग ट्रैक हो गया। तो जैसे अहमद और इमरान ने पहले, जैसे मैंने उनसे पूछा था कि आपको कितनी गेंदें लगती हैं, तो उन्होंने कहा डेढ़ ओवर इज मोर देन इनफ, कि पता लग जाता है कि जब पिच कैसी है, हम कैसे खेल सकते हैं, आप उस तरह खेलें। मगर अगर सिचुएशन थोड़ी सी टेढ़ी है, फिर मैं कहूंगा कि बाबर अपना गेम खेले, और उसके लिए बाबर और रिजवान आइडियल भी हैं। हाँ, आइडियल नहीं, रिजवान तो खेलता ही तेज है ना, वो शॉटें भी मारता है, बाबर बल्ले सीधे से खेलता है, फिर वो जबरदस्ती ना करे कि मैं बीच में से मार दूं, नहीं, फिर वो अपना खेले ताकि वो लेके चले सबको, अगर दूसरी तरफ से चार्ज हो रहा है और आउट हो रहे हैं तो वो लेके चले, तो बाबर को चाहिए वो अपना प्रॉपर जो अच्छी क्रिकेट खेलता है वो खेले।